नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामोट। तो दोस्तों, आज यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पे निकाली गई है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट के अनुसार यहाँ पे देखें तो कौन से पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो जितने भी यहाँ पे जो आपको पोस्ट यहाँ पे निकाले गए आपका, तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो यहाँ पे जो है ITI, डिप्लोमा, BE, BTEC, ये कैटेगरी के अनुसार जो आपके यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 1 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए निकाली गई, प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे बोली गई। एंड 9th नंबर पॉइंट में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए दी गई है। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी से अनुसार आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ से आप जो है अपना सीटें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल या ग्रेड 1 के लिए 3 सीटें हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 16 सीटें हैं। तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ से आप सीटें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो पोस्ट आपको बोली गई सीनियर ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे सीनियर ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर के लिए दी गई है, एग्रीकल्चर फॉर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो है आपका BE, BTEC, ITI एंड डिप्लोमा, या तीनों कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे निकाली गई। नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्नीशियन फॉर ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, तो यहाँ पे आप टोटली आपको जो है पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप BE, BTEC या फिर डिप्लोमा, ITI या फिर इंटरमीडिएट, क्या आपका क्वालिफिकेशंस होगा, तो उसके अनुसार यहाँ से जो आप सीटें देख करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखें तो यहाँ पे जो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बोला गया है, तो मैं आपको बता चुका कि जो आपका पोस्ट के अनुसार आप यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है। तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ या आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बोला गया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्शन के लिए जो है BSc एग्रीकल्चर बोला गया, प्लस में MBA जो कि एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब आपका जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे बोला गया। तो लगभग जो है आपका BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड आपका यहाँ पे PG डिग्री, डिप्लोमा, BE, BTEC, MBA, MSc, ये सब अगर आपने कर रखे होंगे, या फिर इंटरमीडिएट भी आपको जो यहाँ पे बोला गया है, अगर आप इंटरमीडिएट भी किए होंगे तो भी आप जो है यहाँ पे नीचे में जो आपका पोस्ट दिए गए हैं तो उसके अनुसार जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशंस होगा उसके अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि आपको ITI वालों के लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ITI में जो आपका ट्रेड यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियंस, ये जो है आपका यहाँ पे ITI वालों के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि नीचे में आपका यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली जो आपका मंथली जो आपका स्टाइपेंड जो आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आप किस कैटेगरी से सिलेक्टेड होते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ से आप जो है आपको स्टाइपेंड आपको दी जाएगी। असिस्टेंट लेवल ग्रेड 1 के लिए आपको जो है 22,000 आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड बेसिक पे इसको यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका सैलरी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो अगर सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग मैन फॉर एग्रीकल्चर के लिए किसमें आप सिलेक्टेड होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर मंथ आपको यहाँ पर जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया देखें तो आपका जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, मिनिमम यहाँ पे जो है 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है। एंड आप किस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं उसके अनुसार यहाँ से आप जो पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे जो मैक्सिमम एज यहाँ पे आपको रखी गई है। तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए जो है यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो है मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी 27 ईयर्स आपको मैक्सिमम एंड यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग यानी कि ट्रेनिंग फॉर इसके लिए भी आपको सेम यहाँ पे रखी गई है। अगर आप ट्रेनिंग मेट के लिए अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो किस कैटेगरी से आते होंगे, SC ST या फिर OBC या फिर PWD, तो उसके अनुसार यहाँ से जो है आप यहाँ से रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो बोली गई है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन कैसे आपको ली जा रही है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग या फिर असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 सीनियर ट्रेनिंग या फिर यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग मेट के लिए आप किस में अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार यहाँ से जो है आपका 3 डिपार्टमेंट यानी कि जो 3 स्टेज में आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जा रही है। स्टेज 1 में जो रिटर्न टेस्ट आपको यहाँ पे बोला गया, रिटर्न एग्जामिनेशन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में यहाँ पे जो बोला कि बेस्ट ऑन दी मेरिट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जामिनेशन स्टेज वन में ली जाएगी, उसके बाद सेकंड में इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे ली जाएगी, उसके बाद जो थर्ड स्टेज में यहाँ पे जो बोला गया टेकिंग इनटू टुगेदर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू मार्च द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन। तो उसके बाद जो आपका शॉर्टलिस्ट के अनुसार जो है आपके यहाँ पे स्टेज थ्री में आपको यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो है चेक करके जो है उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जाएगी। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको ली जा रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपका CBT यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड के अनुसार आपको यहाँ पे जो है पैटर्न यहाँ पे बताया गया। उसके बाद पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PWD, अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो उसके अनुसार ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे बोला गया ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर। तो यहाँ पे ओनली फॉर ऑनलाइन इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, तो किस पोस्ट के लिए जो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या रोल रहेगा, सुपरवाइजरी क्लर्क की या फिर वर्क इन फील्ड, ये सब आपका जो है यहाँ पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको यहाँ पे रखी गई है पोस्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद नीचे में कंडीशंस एंड इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप जो है अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, जो भी आपको जनरल कंडीशन दी गई है उसके बाद ही जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर यहाँ पे आप इंडियन नेशनल में आप किसी भी स्टेट से आते होंगे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोला गया फोर्थ नंबर पॉइंट में यहाँ पे जो बोली कि द एलिजिबल कैंडिडेट विल विजिट, यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई इसमें विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलेगी अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर दी अदर डिटेल्स, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो आपका रिसेंट में जो कलर फोटोग्राफ होगा उसका सिग्नेचर, ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है स्टेप वाइज यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस आपको बोली गई है। तो आप चाहें तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करके जो है इसका जो प्रोसेस है उसको आप समझ सकते हैं। तो क्या क्या आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको ली जा रही है, आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले आपको यहाँ पे लेके जाना है, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में बताई गई है। तो आप यहाँ से जो है आप देख करके जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है आप ले जा सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस फॉर्म को आप कैसे कब तक जो है आवेदन कर सकते हैं या फिर इसका लास्ट डेट कब तक आपको रखी गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे जो बोलेगी विल बी नोटिफाइड ऑन NSCL वेबसाइट। तो यहाँ पे जो है इसका जो NSCL का ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें जाकर जो है आप इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है कब से आवेदन करना है या फिर कब तक इसका लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो इसका जो भरने का जो स्टार्टिंग डेट अभी यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो एक दो दिन के अंदर जो है इसका ऑनलाइन भरने का जो लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही इसका स्टार्टिंग भरने का डेट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है ना ही फिर इसका जो है लास्ट डेट, तो यहाँ पे डेट अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त 2020 में यहाँ पे टेंटेटिव डेट आपको यहाँ पे रखी गई है, ठीक है।